जा रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है, आज अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचने वाले हैं। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री की दूसरी बार तेल अभी वो पहुंचेंगे। इस दौरान वो इसराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन गाजा में थोड़े समय के लिए मिलिट्री ऑपरेशन रोकने पर जोर दे सकते हैं। इससे पहले वो 12 अक्टूबर को इसराइल के दौरे पर गए थे और आज एक बार फिर से वो इसराइल के दौरे पर जाने वाले हैं। इसराइल पहुंचने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जो हुआ वो दोबारा ना हो। कोई भी देश अपने नागरिकों का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं करेगा, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। Well, as we said, and it's important, Israel has the right and the obligation to defend itself, and again to try to make sure that what happened never happens again. No country, not the United States, not anyone else that I can think of, would tolerate the slaughter of its civilians. So we stand behind that. 7 अक्टूबर से शुरू हुई इसराइल और हमास की जंग बेहद खतरनाक हो गई है। इसराइल ने गाजा को मलबे के शहर में तब्दील कर दिया है। इसराइल गाजा बॉर्डर से न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता नीरज कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुबह हो या शाम या फिर रात, 26 दिन हो चुके हैं हमास के खिलाफ इसराइल के युद्ध की घोषणा की और उत्तर गाजा यहां से महज 800 मीटर की दूरी पर है। ये जो जहां बमबारी की गई है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और आप देख सकते हैं लगातार काला धुआं उठ रहा है। पूरे उत्तर गाजा से धुआं ही धुआं उठ रहा है। हम आपको लगातार 24 दिन से यहां हम लोग मौजूद हैं और हर एक अपडेट आपको गाजा के आसमान की दे रहे हैं, गाजा के जमीन की दे रहे हैं। इसराइल की सीमा से जो कि सबसे नजदीक है, एस्टेरोट शहर के पास है और यहां से 800 मीटर की दूरी पर सिर्फ गाजा है। तो देख सकते हैं हमारे पीछे धुएं का गुबार रॉकेट से, मिसाइल से, टैंक से, तोप से और फाइटर जेट से लगातार उत्तर गाजा में हमले किए जा रहे हैं। लेकिन गाजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान इसराइल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। इसराइल की सेना के मुताबिक उसने गाजा में हमास के एक और कमांडर को मार गिराया। बताया गया कि मोहम्मद एतजार नाम का वो कमांडर हमास की एंटी टैंक मिसाइलों की यूनिट का मुखिया था। लेकिन इसराइल की सेना के हमले से वो बच नहीं पाया। इसराइल की फौज के मुताबिक उसने उसके ठिकाने पर इतना बड़ा हमला बोला कि उसकी मौत हो गई। इसराइल ने हमास की एंटी टैंक मिसाइलों की यूनिट के कमांडर मोहम्मद एतजार को मारने का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक जोरदार धमाका होता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया। इसराइल की सेना के मुताबिक उसने सबसे पहले मोहम्मद एतजार की सटीक लोकेशन का पता लगाया और फिर बम गिराकर उसके ठिकाने समेत उसे ढेर कर दिया। दावा किया गया कि मोहम्मद एतजार ने इसराइल की सेना पर मिसाइलों से हमले किए जिसकी वजह से इसराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा। इसराइल जंग की शुरुआत से ही ये कहता आया है कि हमास के टॉप कमांडरों को ढेर करना उसका पहला लक्ष्य है और इसी कड़ी में हमास की एंटी टैंक मिसाइलों की यूनिट के मुखिया को उसने ढेर करने का दावा किया। लेकिन खबर है कि अपने कमांडर की मौत से हमास इतना ज्यादा आग बबूला हो उठा कि उसने भी इसराइल की सेना के एक बड़े अधिकारी को मौत की नींद सुला दी। बताया गया कि इसराइल के जिस अधिकारी को हमास ने अपने निशाने पर लिया उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के हमले से कई लोगों को बचाया था और इसीलिए वो हमास की हिटलिस्ट में शामिल थे। बीते कुछ दिनों में इसराइल की सेना का पूरा ध्यान गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन चलाने पर रहा है। इसराइल की फौज तेजी से गाजा में घुसते हुए हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रही है, इसीलिए हमास भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहा। खबर है कि इसराइल की सेना जब गाजा में हमास पर कहर ढा रही थी तभी हमास के एक हमले में इसराइल की सेना के उस बड़े अधिकारी की जान चली गई। इसराइल की सेना ने जब से गाजा में जमीनी लड़ाई शुरू की है तभी से उसे भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसराइल की फौज के मुताबिक जमीनी ऑपरेशन के दौरान वो अपने 17 सैनिकों को गंवा चुका है। इस बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल की सेना ने गाजा शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना का गाजा शहर की मुख्य सड़क पर कब्जा हो गया है। इसराइल की पैदल सेना अलग अलग रास्तों से गाजा शहर में घुस रही है और ऐसे में अब यह दावा किया जा रहा है कि गाजा शहर की मुख्य सड़क को इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। जमीन हो या फिर आसमान, हर तरफ से हमास पर हमले जारी हैं। इसराइल की सेना चुन चुन कर हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है।
जिसके बाद गाजा की धरती कांप उठी। हमास के आतंकी या तो हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए या फिर ढेर कर दिए गए। इसराइल ने युद्धपोतों से ऐसे मिसाइल दागे कि हमास के आतंकी ठिकाने बर्बाद हो गए। इसराइल की सेना ने आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले किए। इस हमले में हमास के 130 आतंकी ढेर कर दिए गए। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि गाजा से हमास को जड़ से खत्म कर देना है और इसके लिए हमास के हर ठिकाने पर चुन चुन कर वार किए।